वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं कैमरा बॉयज और मैं हूं आपके साथ करण। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा था साइमन अपनी वीडियोस को कैसे एडिट करता होगा, और उसी बीच तिमोथी भी आ ही गया था, और जहां तिमोथी ने मुझे भिंडी पार्सल करी थी और मेरे लैपटॉप में भिंडी वायरस फैलाया था। साइमन से इसकी वीडियो को देखने के बाद मुझे एक बात जो समझ आई है, ये सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, इसलिए साइमन से इसकी वीडियो एडिटिंग को मैं कुछ दो या तीन वीडियोस में कवर करूंगा, जिसमें से पहली वीडियो ये है जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो अपने साउंड्स कैसे एडिट करता होगा। अब साउंड को एडिट करने के तीन तरीके हैं मेरे पास, सबके तरीके अपने अपने होते हैं, हो सकता है साइमन सेज इन तीनों में से ही कुछ यूज करता हो। पहला तरीका तो ये है कि आप ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर यूज करो जो कि ओपन सोर्स है, फ्री है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही एडिट करो, लाइक कि प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जहां पे आप अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आप अपने कैमरे के अंदर ही ऑडियो सेटिंग करके रखो। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि ऑडेसिटी के अंदर अपना साउंड को कैसे एडिट कर सकते हैं या साइमन कैसे एडिट करता होगा। तो हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एग्जांपल ले रखा है साउंड का। अबे तू है कौन और तुझे ये भिंडी फोन कहाँ से मिला? अब इस साउंड के अंदर थोड़ा बेस कम है, इस साउंड के अंदर ये थोड़ा सा पीक है और इस साउंड के अंदर नॉइज है। तो इन सब चीजों को हम कैसे हटा सकते हैं? सबसे पहले हम हटाएंगे नॉइज। तो हमने यहाँ पे कर लिया एक साउंड सिलेक्ट, इफेक्ट में नॉइज रिडक्शन, गेट नॉइज प्रोफाइल। अब ये हमारा एक प्रोफाइल ले लिया है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट में रिपीट नॉइज रिडक्शन, यहाँ पे कम हो गया नॉइज। अब भी थोड़ा सा नॉइज मुझे सुनाई दे रहा है तो इसी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे ये रेड का मतलब है ये पीक साउंड है जो कि डिस्टॉर्टेड साउंड है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, इफेक्ट में गए, क्लिप फिक्स। यहाँ पे जो ये 70 और ये नंबर है मेनली हमें यहाँ से देखना है, इसको 70 पे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है कैसा साउंड है, कितना डिस्टॉर्टेड है और कितना नहीं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड में 7 कम कर देता हूँ, 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 करते हैं। साउंड हमारा क्लीन हो गया देख से सुनकर। अबे तू है कौन और तुझे भिंडी फोन कहाँ से मिला? अब इस साउंड के अंदर मुझे जो कमी दिख रही है वो है बेस। बेस हम कैसे रखेंगे, इसको थोड़ा बेस बूस्ट करना पड़ेगा। बेस एंड ट्रबल इसको छोड़ के इक्वलाइजर, ये रहा इक्वलाइजेशन, बेस बूस्ट, ओके। इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी, हालांकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ी होगी तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर नीचे बेस बूस्ट कर सकते हैं, इसको कर दो ओके। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा साउंड बेस बूस्ट हो गया है। अबे तू है कौन और तुझे भिंडी फोन कहाँ से मिला? यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा मीटर को भी देखना पड़ता है, लाइक कि ये वाला जो मीटर है, ये मीटर हमें बताता है कि किस साउंड कितना डिस्टॉर्टेड है। अगर ये मीटर ज़्यादा ही रेड पे जा ही रहा है तो समझ लेना साउंड डिस्टॉर्टेड है। वैसे सुनने से ही पता लग जाता है, जब कानों में आवाज़ चुभती है तो पता ही लग जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया ऑडेसिटी के तरीका, अब हम चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो के अंदर। प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे हम एडिट कर सकते हैं, तो पहले एक बार एग्जांपल में साउंड सुन लेते हैं। 450 मतलब मुझे सच्ची में बिलीव ही नहीं हुआ, मैं इतना शॉक था, मैंने इतनी बार वो पेज रिफ्रेश किया चेक। साउंड सुन के आपको पता लग गया होगा कि ये साउंड आपके कानों पे नहीं चुभ रहा है, इसके अंदर बेस सही है और कोई नॉइज भी नहीं है। बिल्कुल सेम साउंड हम एडिट करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। अबे तू है कौन और तुझे भिंडी फोन कहाँ से मिला? सबसे पहले इसका नॉइज रिडक्शन करते हैं। नॉइज रिडक्शन करने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट में, तो अडेप्टिव नॉइज रिडक्शन ये एक प्रीसेट है, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करा। अब हमें यहाँ पे 2 मीटर को देखना है इस प्रीसेट के अंदर, जो है रिड्यूस नॉइज बाय और जो है सिग्नल थ्रेशोल्ड। सिग्नल थ्रेशोल्ड कम कर दिया, ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेट्स सी क्या होता है। अबे तू है कौन, नहीं वर्क करा, सिग्नल थ्रेशोल्ड कम कर दिया, सिग्नल थ्रेशोल्ड ज़्यादा कर दिया। अबे तू है कौन और तुझे ये भिंडी फोन कहाँ से मिला? रिड्यूस हो गई हमारी नॉइस, यहाँ पे लेवल थोड़ा सा कम करना है, -4 कर दिया। अबे तू है कौन और तुझे ये भिंडी फोन कहाँ से मिला? नॉइज हमें नहीं चुभ रही है, यहाँ पे डायरेक्टली लेवल कम कर सकते हो। अब रहता है बेस बूस्ट, यहाँ पे हमें चेक करना होगा बेस। ऑडियो इफेक्ट के अंदर बेस हमने इसके अंदर यूज़ कर लिया, अब बेस बूस्ट के लिए हमें डीबी देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा हमें यूज़ करना है, 1 करके देखते हैं। अबे तू है कौन और तुझे भिंडी फोन कहाँ से मिला? यहाँ पे मैंने 1 dB बेस बढ़ाया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे लिए यही साउंड सही है, मुझे सुनने में यही अच्छा लग रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना dB बढ़ाना चाहिए, कितना वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, कितना dB कम करना चाहिए,
डीबी का मतलब एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहिए, कितना एम्पलीट्यूड कम करना चाहिए। अब ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट बेस है, आपको अपने साउंड के साथ देखना पड़ेगा कि कितना डीबी बढ़ाएं, कितना डीबी कम करें, मतलब कि कितना एम्पलीट्यूड बढ़ाएं, कितना एम्पलीट्यूड कम करें। और अब थर्ड मैटर है आपका कैमरा। ये महाराज जो हमें हमेशा रिकॉर्ड करते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। इस वक्त जो मेरे कैमरा की सेटिंग है वो है 8 dB पर, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जो मेरी सेटिंग्स थी वो थी 6 dB पर। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में है। अगर आप अपने कैमरे के अंदर सेटिंग देख रहे हैं और उसके अंदर जो माइक है वो ऑटो पर सेट हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका 12 dB तक ही जाता है। इन मोस्टली वीडियोज ही पिक हिज माइक इन ही सेंड, और मेरा माइक होता है यहाँ पे। तो मेरी जो सेटिंग्स हैं इस वक्त वो है 8 dB तक, और मोस्ट प्रोबेबली ही इज यूजिंग अबाउट 4, 5, 6 dB। अभी मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखा रहा हूँ 8 dB पे कि आपको मेरी वॉइस इस वक्त डिस्टॉर्टेड लग रही होगी, थोड़ी बहुत कान में चुभ रही होगी। अब मैं इसी वॉइस को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, लाइक कि 4, 5, 6 dB पे लेके जाता हूँ अपने ही कैमरा के अंदर। इस वक्त माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी है 6 पर, और आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। इस वक्त इससे पहले जो डिस्टॉर्टेड साउंड था और अब जो साउंड है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आपको सुनकर ही समझ आ गया होगा। राइट नाउ सेंसिटिविटी इज 4 और आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। वैसे प्रेफरेबल तरीका यही है कि आप अपने कैमरा के अंदर ही सेटिंग्स रखो और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको प्रॉब्लम ही ना हो। अब एक वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा तो आपका दिमाग हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बीवी की वीडियो एनालिसिस, वो थी लगभग 11 मिनट्स की। उस वीडियो का जो एवरेज व्यू है ना लगभग 2 या 2.5 मिनट का गया है, ज्यादा से ज्यादा 3, 3.5 मिनट का। तो बस मैंने एक ही बात सोची, अगर मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मिनट की देख लेता हूँ, उसके आगे मैं खुद बोर होने लगता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए बस 4 या 5 मिनट की वीडियो बनाए। तो होप आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। बाकी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूंगा, तब तक के लिए मैं हो गया थोड़ा सा भंड। अब हम बनाएंगे थोड़ी मीम। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मीम बनाता रहता हूँ, 1 या 2 दिन में हमेशा मीम आती ही रहती है, लगभग डेली बनाता हूँ, कुछ ना कुछ ग्रीन स्क्रीन अपडेट करता रहता हूँ वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा। जितनी भी ग्रीन स्क्रीन है, जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैं एडिट करता हूँ या फिर जितना भी कुछ भी है, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और बस जाते जाते थैंक यू फॉर सपोर्ट, एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मीम के लिए भंड कैसे होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।